गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उठो लाल अब आंखें खोलो। यह प्रस्तुत पद द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले हम इस पद को पढ़ेंगे, फिर इसका अर्थ समझेंगे। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धोलो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई, भोर हुई सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, नन्ही नन्ही किरणे आई, फूल खिले कलिया मुस्काई, इतना सुंदर समय न खो मेरे प्यारे अब मत सो। अब हम इसका अर्थ समझेंगे। इसमें एक माँ है, अपने पुत्र को जगा रही है, उसका पुत्र सो रहा है, तो वह उसे बार बार जगा रही है और जगाते हुए कह रही है कि उठो लाल। लाल मिस होता है पुत्र। ऐ पुत्र उठो और अपनी आँखों को खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धोलो, और मैं जो पानी लाई हूँ इससे तुम अपने मुँह को धोलो। ऐ मेरे पुत्र उठो और इस पानी से अपने मुँह को धोलो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। बता रही हैं अपने बेटे से कि बीती रात कमल दल फूले, उठो बेटा, देखो अब रात बीत गई है और कमल फूल, कमल का जो फूल है वह खिल गया है, और उस कमल के फूल पर भौरे झूला झूल रहे हैं। वो बता रही हैं फिर से कि चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर। बता रही हैं अपने बेटे को कि बेटा देखो चिड़िया कैसे पेड़ों पे चहचहा रही है, चूचू चूचू की आवाज़ कर रही है, वह बोल रही है। बहने लगी हवा अति सुंदर, अति मिस होता है बहुत, और देखो कितना सुंदर हवा बह रहा है। वो बार बार कह रही हैं कि देखो कमल खिल गया है, कमल के ऊपर भौरे झूल रहे हैं, चिड़िया पेड़ों पर चहचहा रही है, बोल रही है, और अत्यंत ही सुंदर सुंदर हवाएं बह रही है, तो बेटा तुम उठ जाओ। अगली लाइन में बता रही है कि नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। न्यारी, न्यारी मिस अनोखा, और नभ मिस होता है आकाश। आकाश ने जो है अनोखी लालिमा छाई हुई है, आकाश में अनोखी लालिमा छाई हुई है, और धरती ने प्यारी छवि पाई, और जो अनोखी लालिमा है उसके कारण जो धरती पे धरती है वह प्यारा दृश्य बना हुआ, धरती पे प्यारा सा दृश्य बना हुआ है। तो अपने बेटे से कह रही हैं कि बेटा उठो और इस दृश्य को देखो कि आकाश में कैसी लालिमा छाई हुई है और धरती पर कितना प्यारा दृश्य बना हुआ है। अगली लाइन में कह रही हैं कि भोर हुई सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। अपने पुत्र को जगाते हुए बोल रही है माँ कि बेटा भोर हुई, भोर मिस होता है सवेरा, सवेरा हो गया है, सूरज निकल आया है, और जो सूरज की किरणें होती है वो जल में पड़ी सुनहरी छाया, और जब सूरज की किरणें जल के बूंदों पे पड़ती है तो जो दृश्य होता है वह बहुत ही सुनहरा होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। जब जब सूरज की किरणें जल के बूंद पे पड़ती है तो वह हीरे जैसा चमकने लगता है, वह दृश्य बहुत ही अनोखा होता है। तो उस दृश्य को माँ बताते हुए अपने बेटे से कह रही है कि बेटा अब तुम उठ जाओ। नन्ही नन्ही किरणें आई, फूल खिले कलियां मुस्काई। जो सूरज की किरणें होती है, जब सुबह होता है तो जब सूरज की किरणें आती हैं और जब फूलों पे पड़ती हैं तो फूल खिल जाता है, वह दृश्य बहुत ही अच्छा लगता है, और
कलियां, जो कली होता है फूल का, वह मुस्कुराने लगती है। तो कह रही है कि फूल भी खिल गया है और कली भी मुस्कुरा रही है। तो फिर अगली लाइन में बता रही हैं कि इतना सुंदर समय नखो, देखो बेटा ये समय बहुत ही अच्छा है, इतने समय, इतने सुंदर समय को तुम बर्बाद मत करो। और मेरे प्यारे अब मत सोवो, मेरे प्यारे बेटा अब उठ जाओ, अब तुम मत सो।